करेले की सब्जी तो बहुत ही गिने चुने लोगों को अच्छी लगती है ना, और जिस दिन बन जाए तो सबका ही मुंह बन जाता है कि यार ये क्यों बना दी। लेकिन दोस्तों फिक्र ना करें, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी की वीडियो। अगर आपने इस तरह से करेले की सब्जी बना ली तो बार बार करेले बनाने को कहेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर चैनल अपूर्वा एंड आभ्या। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो डालें तो आपके पास झट से नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों ये कोई आम और नॉर्मल वो बोरिंग सी सब्ज़ी नहीं है जो सब डिसलाइक करते हैं। आज हम इसको बहुत ही अनोखे, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे और बहुत ही अच्छे फ्लेवर से बनाएंगे। जिस तरह से इसे पहले छीलते थे, नमक लगाते थे, इसका कड़वापन निकालते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बिना छीले देखिए इस तरह से स्लाइसेस कर लें, इतनी विड्थ होनी चाहिए। और करेले बनाना टास्क लगता है कि पहले इसका कड़वापन निकालना होगा, फिर इसके अंदर मसाले भरने होंगे, लेकिन अब नहीं, ये इतनी इंस्टेंट रेसिपी है कि आप इसे बहुत ही झटपट बना सकते हैं। तो इस तरह से सभी स्लाइसेस कट कर लें। और अगर इस तरह से करेले के अंदर पके हुए बीज हैं तो आप इनको इस तरह से निकाल सकते हैं और इन स्लाइसेस को हॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको मोटे बीज लग रहे हैं किसी पीस के अंदर तो भी आप इनको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा शफल कर लें ताकि मोटे बीज अपने आप निकल जाएं। उसके बाद एक पैन के अंदर ऑयल लें और इन सारे स्लाइसेस को डीप फ्राई कर लें। हल्के हल्का जब इनके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, देखिए इस तरह से, तो आप इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लें। पता है इसके अंदर ना तो कोई कड़वापन लगेगा और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि वही बोरिंग से करेले की सब्जी खा रहे हैं। बहुत ही न्यू और फ्लेवर, बहुत ही नया टेस्ट इसका है। तो इसी तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताना कि कैसी बनी। तो सेम उसी प्रोसीजर से मैंने सेकेंड बैच को भी फ्राई कर लिया है। अब सभी करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो मैं थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर से निकाल कर इस तरह से 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले 1 टेबलस्पून डालेंगे जीरा। और उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने लंबे प्याज, थोड़ी अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली थी। इन तीनों को डाल के हम सॉटे कर लेंगे। इनको पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, केवल सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। उसके बाद मसाले डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर। अच्छे से सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास, कई लोगों के पास करेला मसाला, तवा मसाला होता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मसालों को 1-2 मिनट पका लेंगे। और देखिए इस तरह से जो फ्राइड करेले थे उनको इसके अंदर ऐड कर देंगे। कितने डिलीशियस ये ऑलरेडी लग रहे हैं, और जब मसालों के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो वाह वाह वाली फीलिंग आ जाएगी। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और अच्छे से स्टर करेंगे ताकि मसाला सारे करेलों में आ जाए। टॉस कर लेंगे, शफल कर लेंगे और बस यहाँ पर देखिए कितनी खिली खिली ये सब्ज़ी बनी है, देख रहे हो, कितनी झटपट है। उसके बाद आप इसके अंदर घी ऐड कर सकते हैं, बटर ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आप अपना कुछ तड़का फ्लेवर डालना चाहते हैं तो। और यहाँ पर बहुत ही यूनिक और अनोखी झटपट बनने वाली करेले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। और मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी अनोखी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी ये सब्ज़ी कैसे बनी। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और ऐसी और मसालेदार और झटपट रेसिपीज़ देखने के लिए आप यहाँ पर किसी भी वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।